ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में हम मिलते, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी सब्जी। अबे ओ, क्यों इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, बड़े सस्ते में है मिलती है, बोल तो ऐसे रहा जैसे चवन्नी अठन्नी में बेच रहा है। भैया बोलना पड़ता है, महंगाई के इस जमाने में सस्ता शब्द सुन के पब्लिक को सुकून मिलता है। देख बेटा ऐसा, हम ठहरे बिजनेसमैन और तू ठहरा धंधे वाला, तो हमसे जरा सोच समझ के मोल भाव किया कर। हैं भैया माफ करना, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमने आपकी दुकान से वो अभी कच्चे बनियान लिए थे, सबके सब रिजेक्टेड निकले। क्या पकड़ा था? अभी 3-4 महीने पहले हमने आपकी दुकान से वो चड्डी बनियान खरीदे थे, वे 5 बनियान थी और 5ों बनियानों में छेद थे, और 4 चड्डी खरीदी थी, सबके लास्टिक टूटे हुए थे। भैया हमको तो ऐसा लगता है कि आप रिजेक्टेड माल ही बेचते हैं। अबे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, अब बदल के दूसरी काहे नहीं ले गया? भैया बदल के दूसरा ले गए थे। हाँ। वो भी रिजेक्टेड ही निकला। जो कहा तमाशा चल रहा है भैया तिवारी, तुम्हारे बड़े हाथ चल रहे हैं। अरे देखिए ना दरोगा जी, ये खाम खाम में हाँक रहा है कि हम जो है रिजेक्टेड माल बेचते हैं, बताइए। तो जा में कसक है, हम तो कह रहा हूँ लौंडा, अबे तुमसे हम वो 10 ठैया अपने अंडरवियर ले गए थे, सबकी इलास्टिक टूटी भई थी, ससुर नारा डार डार के पहन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं दरोगा जी आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया तिवारी, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे खोका पे छापो डालने पड़ेगा हमें। देखिए दरोगा जी, अब जो है ना बहुत सही माल आया है, 10-12 कच्चे बनियान भिजवाते हैं ना आपको? तो भिजवाने पड़ेंगे भैया तिवारी, खराब जो आते, लेकिन साथ में कान में अंगूर की डार, कान में अंगूर की डार, और ऐसू है साथ में 2-3 हजार कैश भी दिलवा देगी निछावर करके, निकाल ले अंगूरी। उंगली पकड़ने को कही तो साली गर्दन पकड़ ली। क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा वो बक्से में क्या रखा है पीछे स्कूटर में, कटब्बे में। अच्छा जो, अरे वो कहा यार, वो थाने में पुताई को काम चल रहा है, तो जो चौकी को सामान है वो लोगों के घर में आती होती हम धरवा रहे हैं, तो जो बक्सा हम तुम्हारे घर में रख भी आए हमारे। हाँ वो कहा है कि अगर हमने अपने घर में धर लो ना, तो कहीं बीबी हमारी खामा खामे हमारे ऊपर टेस्ट ना कर दे लाई डिटेक्टर को। दरोगा जी जमे है का? बेटा जाम है, झूठ पकड़बे की मशीन है लाई डिटेक्टर। अच्छा तो जरा बताइए ना कैसे पकड़ते हैं झूठ वूट, बताइए जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, अबे तुम घर पे लेके चलो, फिर हम भाभी के सामने तुम पे सवाल दागेंगे कि तुम कहीं दूसरी बैयर बानियों के चक्कर में तो नहीं रहते हो। लेके चलो चुपचाप, आराम आराम। अरे तिवारी स्कूटर से गिराए का, उठा ले उठा ले, टूटे ना समर के। दो किलो फटाफट सब्जी बांध ले। दरोगा जी वो पिछली बार के पैसे बाकी हैं अभी आपके। हमसे पैसे मांगोगे? हमारी अगर खोपड़ी खराब हो गई ना, तो ये ठेला थे अपने थाने में चल के बेचेगो गा गा के, ताजी हरी सब्जी। कैसे बात बताइए, ताजी हरी सब्जी ले लो। चुप चुप, कुछ खड़ो करी के खड़ो कर, चुपचाप कुछ तो पैसे दे दो दरोगा जी। भाई आ रहे हैं थोड़ी देर में, 2 किलो बांध के रखियो, और सुन ये 4 ठैये नींबुआ भी बांध दीजिए, शिकंजी पियेंगे घर पे चल के। अरे दादा, अरे यार तिवारी यार, तुम सच में यार बहुत बड़ी चिरांत हो यार, तुम सामने बाहर का कही थी कि चुपचाप तो डब्बा लेकर रख लो बस, कानूनी चीजें तुम्हारे चक्कर में ना पड़ो, इसके खोल के धर दो। अरे अब कोई नई चीज घर में आई है तो पूछेंगे नहीं कि अंदर कोई सोने के बिस्कुट या चरस गांजा दबा रखा हो, तो हम तो कच्चा बनियान से भी जाएंगे। तुम यार तिवारी जिंदगी में कच्चा बनियान को ऊपर न सोचियो कछु, जो खराब कर रही। अरे बताइए तो सही क्या है? ठहर जा ध्यान से देखो, आसान नहीं है, गौर से देखो जी, ऐसे ये तार देख रहे हो ना, ऐसे इनमें ऐसे ठूंस दो, ऐसे जो कार उबालू जा में लगा दू, और जो है माइक्रोफोन जैसे आवाज आती है जो ही में लगा दो ऐसो, ठीक है? ये के पीछे एक बटन दबाओ है, पास मशीन ऑन हो जाती है। अब गौर से देखो, जो
जो उठाओ और जो ऐसो ऐसो लो, ऐसो गोल चका ऐसो खोपट गया मैं पहन लाओ जो ऐसो। अब जे तारे ऐसी उठाई और जी हाथन की नब्ज में ऐसी चिपका लग दू ये ठीक जो पकड़ के माइक्रोफोन। अब तो मम चका जो सवाल पूछो हम तुम्हें जवाब देंगे, पूछो। ठीक है पूछो पूछो ठीक है का। एक बात बताइए दरोगा जी, क्या आप मानते हैं कि आप एक निहायत ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर दरोगा हैं? तुम यार तिवारी जी घटिया सवाल पूछ रहे यार घर में। अरे अब सवाल पूछा तो जवाब तो दीजिए। हम नहीं मानते कि हम घटिया भ्रष्ट दरोगा हैं। ठहर जाओ तिवारी तुम ठहर जाओ। तो हमसे बहुत सवाल पूछ रहे ना, अब तुम हमारी जगह आओ और हम तुमसे सवाल पूछेंगे। हम उठो 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 आओ इतिहास। अरे दादा बैठो लगाओ ये चिपकाओ, बहुत सवाल पूछ रहे ना तुम, अबे हम तुमसे पूछ रहे सवाल। चिपका लो यार ते जो पकड़ लो रमतूला। पूछिए। तो तिवारी तुम जो बताओ कि तुम आओ अंगूरी भाभी के अलावा को और से लपक झन्ना करबे को मन करते हो का? लपक झन्नो क्या है तिवारी, इतने सीधे ना बनो। लपक झन्ना मतलब नैन मटक्का करते हो का? ना ना कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। चल बता कितना हुआ? क्या 75 रुपए? गंदा नाला से इस मोहल्ले तक 40 रुपए होते हैं, तुम उसे 35 रुपए ज्यादा क्यों मांग रहा है? आप झूठ बोल रही हैं भाभी जी? चौरसिया तेरी इतनी हिम्मत, दिमाग खराब हो गया तेरा? झूठ बोल रही हूँ मैं? मुझे पता है यहाँ से सिर्फ 40 रुपए लगते हैं। डार्लिंग क्या हुआ? बड़ा आदमी? अरे विभू देखो, गंदा नाला से यहाँ तक आई हूँ, 40 रुपए होते हैं, मैं कई बार आ चुकी हूँ और ये बोल रहा है 75 रुपए लगते हैं। क्या भाई साले पेलू चौरसिया, तेरे रिक्शा है या हेलीकॉप्टर, इतने पैसे मांग रहा है तू? और विभू इतना ही नहीं है, पता है क्या बोल रहा है? हिम्मत देखो इसकी, बोल रहा है आप झूठ बोल रही है भाभी जी, ये देखो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अन्नू को झूठी बोले? अबे इन 7-8 सालों हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की झूठी उसको। मेरी बीवी को झूठी बोल रहा है, अब सॉरी बोल रहा है। तुम तो इनके गुलाम हो, इनके ये सुर में बोलोगे। मोहल्ले में ये इज्जत है मेरी, ये इंप्रेशन है मेरा, मेरा हैंडपैक्ड हस्बैंड आउट ऑफ मी, मैं हैंडपैक्ड हस्बैंड बना दिया तुमने मुझे। झूठ बोल रहा है। तेरी जबान बड़ी चल रही है समझा तू? अब बोला सॉरी, पहले बोल दिया सॉरी। जुबान तो तुम्हारी चल रही है, मैं तो चुप हूं और तुम अपनी दादागिरी से मेरे सच को नहीं दबा सकते। मैं सच बोल रहा हूं और भाभी जी झूठ बोल रहे। देखा विभो, इसकी कोई लिमिट नहीं है भा, दिस इज टू मच। अबे तू झूठा है, झूठा है तू, तू झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा है, झूठा है तू एक नंबर का। अरे क्यों भभूती जी, अरे क्यों गरीब पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? और भाभी जी ये पेलू क्या भभूती जी की उधारी मांगने आया है? नहीं नहीं तिवारी जी, देखिए ना ये पेलू चौरसिया मुझे गंदा नाला से यहाँ तक लेकर आया, 40 रुपए लगते हैं, मुझसे 75 रुपए मांग रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और इल्जाम लगा रहा है कि अन्नू झूठ बोल रही है।
क्यों बे पहलू तेरी ये हिम्मत, तू भाभी जी को झूठा बता रहा है, शर्म नहीं आती क्या? भाभी जी जरा से हमारे यहाँ लेके आइए, लेके आइए हमारे यहाँ। क्यों अच्छा डालेंगे क्या इसका आप? अरे हमारे यहाँ झूठ पकड़ने की मशीन रखी है, जरा से लेके आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वो भी इसकी आंखों के सामने। लेकिन आपके पास ऐसी मशीन कहाँ से आ गई? अरे वो थाने में पुताई चल रही है ना, तो हप्पू सिंह जी वो झूठ पकड़ने वाली मशीन हमारे यहाँ रख के गए हैं। आप लेके तो आइए, लाइए लाइए चल। हिम्मत है सच बोलने की है हिम्मत? अब देखिएगा भाभी जी पेलू चौरसिया का झूठ कैसे सामने आता है। चल बे बोल। अरे बोलता कहां तिवारी जी, पर्ची देगा वो तो। हाँ भाभी जी सवाल पूछिए, हमने सारे कनेक्शन कर दिए। तो पेलू चौरसिया गंदा नाला से इस मोहल्ले तक होते हैं सिर्फ 40 रुपए और तुमने मुझसे मांगे 75 रुपए, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? मैं सच बोल रहा हूं, किराया 75 रुपए ही होता है। हरा बत्ती जला, पतवली सच बोल रहा है अनीता जी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कई बार रिक्शे वाले के साथ आई हूँ, हमेशा यहाँ से गंदा नाला का किराया 40 रुपए ही होता है। काम डाउन, इट्स ओके, इट्स ओके। झूठ मैं नहीं आप बोल रही हैं। ओह माय गॉड विभू, ये मशीन बिल्कुल बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रही हूँ तिवारी जी, अंगूरी जी, मैं सीरियसली मैं गई हूँ कई बार। मशीन तो सच बोल रहा है ना। एक काम करते हैं, इसे दो चार सवाल और पूछते हैं, मशीन का पैटर्न मालूम पड़ेगा, ग्राफ मालूम पड़ेगा, है ना? एक मिनट हम सवाल पूछते हैं। जब पहलू जरा बताओ तो ये भभूति जी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? भाई क्या ख्यालात होंगे, मस्ट बी थिंकिंग ही इज अ गुड लुकिंग हैंडसम डूड हु हैज अ लवली ब्यूटीफुल वाइफ। और क्या भाभी जी, देखिए हमारे मोहल्ले में कित नल्ला। लौंडा बहुत सही जा रहा है। बलौने ये बता कि तेरे तिवारी जी के बारे में क्या ख्याल आते बता। आई हम पढ़ेंगे लड्डू के भैया के बारे में। अरे क्या होगा, परफेक्ट हस्बैंड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लड्डू के भैया जलील और कमीने आदमी हैं। पेलू इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगर आप लोगों का एक दूसरे को जलील करने का सिलसिला खत्म हो गया हो तो इस आइटम को बाहर निकालिए। आप ही लू जाओ जाओ, तुम्हारा रेलवे स्टेशन हो गया है। भाभी जी इट्स नॉट रेलवे स्टेशन, इट्स लाई डिटेक्शन। सही पकड़े हैं। आओ ऐसे कुछ खाएंगे का? क्या खाएंगे, तुम भी कमाल करती हो, तुम्हारे पति को जलील कमीना बोल रहा है और तुम उसकी मेहमान नवाजी में लगी हो। चल मैं निकल जा, चल चल निकल, चल निकल, उतार इसको, चल निकल, चल खड़ा, चल निकल निकल। एक मिनट तुम्हारा 75 रुपए का किराया था ना, ये लो 100 रुपए, 75 रुपए तुम्हारे किराए के और 25 रुपए इसीलिए कि तुम याद रखो कि मैंने झूठ नहीं बोला। समझा, निकल निकल, चल निकल, अबे निकल ना यहाँ से, अबे निकल। क्या निकाल रहा है, क्या है ये? एक दिन मैंने भाभी जी को बता दिया कि तुम क्या गुड़ खिलाते हो अपने पड़ोसियों के साथ, तो भाभी जी भी तुम्हें इसी तरह धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अकाली कहाँ है? ओके ब्रदर, गॉड बॉय, गिव इट अप। चल निकल निकल, चल 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 चल, गो 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 गो, गुड बॉय। ऐसा क्या लिखा था पर्ची में कि तुमने गिरगिट की तरह अपने रंग बदल लिए? हाँ वो तुम्हारा ब्रदर हो गया, तुम उसे चूम रहे हो। दिखाओ पर्ची। नहीं यार, नहीं पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ। भूख लगी है का? Come on, let's go.
वैसे चीप जोक था, तुम्हें क्या सुना था? ओके तिवारी जी, ओके ब्यूटीफुल, आप अपनाइए 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 भाभी जी, ओके हम चलते हैं, कम लेट्स गो, आजा बाय। इसे कहते हैं राज निगलना, पचाना और डकार भी लेना। एक सवाल पूछूं, बतलाओगी? हाँ हाँ बतलाऊंगी। बागों में बहार है? हाँ हाँ है। तुमको हमसे प्यार है? हाँ हाँ हमको तुमसे प्यार है। एक और सवाल पूछूं, बतलाओगी? हाय बतलाओगी। क्या तुम हम पे मरती हो? हाँ हाँ हम तुम पे मरते हैं, लेकिन लड्डू के भैया से डरते हैं। अंगूरी लड्डू के भैया। ये तो ख्वाब था। ऊपर वाले, तूने ये ख्वाब क्यों बनाए? हम जैसे आशिकों को तड़पाने के लिए? और अगर तूने ये हसीन ख्वाब बनाए थे तो इन्हें पूरा भी कर देता। कहते हैं कि सुबह का जो ख्वाब होता है वो अक्सर सच हो जाया करता है। शायद हमारा भी ख्वाब सच हो जाए। चलो फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं यार, आ रहे हैं। अरे यार कैसी इतनी देर लगा रहे हो यार, कब से घंटी बजा रहे हैं, घंटी पे आ गए होंगे, दरवाजा ना खोल रहे तुम यार। अबे छेदी, तू लगातार घंटी बजा रहा है, थोड़ी सांस तो ले ले। अच्छा खैर छोड़ो यार, जी बताओ यार भाभी कैसी हैं? किसकी भाभी? तेरी भाभी या हमारी भाभी? अरे तुम्हारी भाभी और किसकी? अच्छी है। लेकिन बे तू ये आंख मार मार के क्यों बात कर रहा है बे? अब क्या बताएं यार, भाभी की बात कर रहे हैं तो खुद को झेप आ जाए हमें। तुझसे मैंने कई बार पहले भी कहा है कि भाभी जी को लेके मुझसे इस तरह का छिछोरा मजाक मत करना, कहा है ना? तो किससे करें, कौन है यहाँ पे छिछोरा बताओ? मैं छिछोरा लग रहा हूँ? तुझे मैं छिछोरा लग रहा हूँ बे? अरे ना सकल से बिल्कुल ना लगते हो, सकल से तो मजा था। देखो मेरे हाथ से तो पिट जाएगा बहुत बुरी तरह, समझा? काम बोल, क्या काम है? काम ये है कि भाभी जो बोले यार मेरे पतली हो जाए, बहुत मोटी होती जा रही है यार। ला देव। क्या देव? भाभी। अरे यार तुम तो खामखा चचियार हो यार, मेरे मतलब है कि भाभी कपड़े दो, कपड़े धोने की बात कर रहा है, जबरदस्ती की बातें कर रहा है, मार दिया थप्पड़। नहीं मिलेंगे। अरे भाभी अब तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे छेदी। अरे कैसी बातें कर रही है भाभी, जब तुम्हारे कपड़े धोने तो हमारा मन लग रहा है, बड़ा अच्छा लगे हमें। क्या तू उलझ उलझ बातें कर रहा है बे? अरे यार पगला गया क्या? यकीन नहीं करोगे, भाभी के कपड़े इतने मुलायम होते हैं, जब धोते हैं तो ऐसा लगता है कि गुलाब के फूल धो रहे हैं, कसम से बता रहे हैं, मजा आ गया जिंदगी का। बकवास बंद करो छेदी, तुम्हें पता है तुम कितने गंदे कपड़े धोते हो आजकल? अरे यार भाभी कैसी बातें कर रही, तुम्हारे कपड़े तो अपने दिल से धोते हैं, हाथों धोते, जगह से धोते हैं, लेकिन अकल से नहीं धोते हो। कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हो तुम? चिकनी चमेली। अरे यार तुम तो बात बात थप्पड़ मारते हो, चचा जाते हो यार। अरे कपड़ों की बात कर रहा हूँ मैं यार, वो चिकनी चपेली वॉशिंग पाउडर है। झूठ बोल रहे हो, तुम वॉशिंग पाउडर यूज ही नहीं करते हो, तुम कॉस्टिक सोडा यूज करते हो, इसीलिए सारे घर के कपड़े बर्बाद हो रहे हैं।
अगर कास्टिंग सोडा से कपड़े धोता हूँ तो अभी कभी मेरी शादी हो जाए। अरे अरे अरे, शादी हो जाएगा क्या मतलब है? शादी होना कोई सजा होती है क्या? इनको देखकर तो ऐसी लगे। क्या बोला तुमने इसको? Nothing. तुमने कुछ तो बोला होगा उसको? Not at all. ये क्यों बोल रहा है ऐसे? No, no, nothing. सबको तुम बोलते फिरते हो ना? No, I did not say anything. Baby, can't you see? देखो ना मैं कितना happily married आदमी हूँ। Look at my face. I'm happy. I'm ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ना झूठ बोलता हूँ। तो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? इसका फैसला भी हो जाएगा। पकड़ लियो। Let's take him to Tiwari's. चलो। और अगर मुझे पता लगा ना छेदी कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं।